गुड मॉर्निंग टू एवरी वन, वेलकम बैक इन माई नोदन सिवार चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि अपने ड्राइंग में ब्लेंडिंग का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। तो मेरा कुछ ओल्ड ड्राइंग पड़ा हुआ है, मैं आपको उसको दिखाकर और जो इस समय मैं ड्राइंग बनाता हूँ उसको दिखाकर कंपेरिजन करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि दोनों में कितना फ़र्क है, ब्लेंडिंग वाला कैसे दिखता है एंड विदाउट ब्लेंडिंग वाला कैसे दिखता है। तो चलिए लेस, तो देखिए गाइस, ये ड्राइंग मैंने बहुत पहले बनाई हुई है, ये मेरी पुरानी ड्राइंग है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसमें इसको ब्लेंडिंग किया हूँ, जो भी यहाँ पे जो भी इसके फेस पे केवल ब्लेंडिंग किया गया है और इसमें भी पूरा ब्लेंडिंग किया गया है। हमारे फेस में भी टेक्सचर होते हैं, तो अगर हम ड्राइंग अच्छे से बनाएंगे तो टेक्सचर दिखेगा, बट इसमें टेक्सचर वो दिख नहीं रहा है। केवल मैंने जहाँ भी शेडिंग है वहाँ पे मैंने इसको ब्लेंडिंग किया हुआ है, बस वही है बस, और इसमें कोई टेक्सचर नहीं दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा दिख रहा है, और मैं अपना न्यू ड्राइंग भी दिखा रहा हूँ। ये मेरा न्यू ड्राइंग है, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कितना डिफरेंसेस है। मैंने इसमें ब्लेंडिंग स्टंप का यूज़ नहीं किया है, जो मेरी न्यू ड्राइंग है, और मैं इसमें ब्लेंडिंग का ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। हल्का फुल्का आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बट ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने विदाउट ब्लेंडिंग किए हुए मैंने इस पोर्ट्रेट को बनाया है, और इस पोर्ट्रेट को देखिए कि इसमें केवल ब्लेंडिंग किया गया है, इसमें पेंसिल का यूज़ किया गया है लेकिन केवल ब्लेंड किया गया, पेंसिल चलाकर उसको ब्लेंड कर दिया गया। तो इसमें और इसमें दोनों में काफ़ी अंतर आपको दिख रहे होंगे, ये काफ़ी हद तक रियलिस्टिक दिख रहा है जो मेरा न्यू ड्राइंग है, बट इसमें इतना रियलिस्टिक नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें केवल ब्लेंडिंग किया गया है। तो जो बिगनर्स हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल के स्ट्रोक का ही यूज़ करें, पेंसिल से ही शेडिंग को दें, जहाँ लाइट है वहाँ पे हल्का चलाएं और जहाँ डार्क है वहाँ डार्क, और जहाँ डार्क है वहाँ पहले डार्क नहीं देना है, सबसे पहले उसको लाइट सेट देना है, और उसके बाद दो तीन लेयर चलाकर आपको उसको डार्क करना है, क्योंकि आप फर्स्ट लेयर में उसको डार्क करेंगे तो टेक्सचर अच्छा नहीं दिखेगा और काफ़ी भद्दा लगता है। तो उसको दो तीन बार उस वहाँ पे आपको पेंसिल चलाना होगा, जिससे कि फेस पे चाहे जो भी आप फिगर बना रहे हैं उसका टेक्सचर अच्छा दिखेगा और रियलिस्टिक दिखेगा। स्क्रीन नाप पे देख सकते हैं आपकी कैसा दिख रहा है, ब्लर कर दिया गया है इसको, ब्लेंडिंग किया गया है और ये विदाउट ब्लेंडिंग है, तो देखिए किस इसका टेक्सचर भी आ रहा है कि हाँ नाग जैसा जो भी टेक्सचर होता है फेस पे उसका टेक्सचर दिख रहा है, इसमें विदाउट टेक्सचर है। ब्लेंडिंग करके भी आप बना सकते हैं लेकिन वो इतना रियलिस्टिक नहीं आता है जितना विदाउट ब्लेंडिंग का आता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।